किसी भी इंसान को जो सीने में या शरीर के किसी भी हिस्से में बड़े साइज का अगर किलोइड है ना, 2 इंच 3 इंच या उससे बड़े साइज का अगर किलोइड से, और कोई भी पेशेंट जब होम्योपैथी दवाई स्टार्ट करता है सही जगह एक्सपीरियंस डॉक्टर के अंडर में जब ट्रीटमेंट शुरू होता है, तो पहला काम क्या होता है कि जो उसका साइज आप देखेंगे समय के साथ जो बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे धीरे, तो वो बढ़ना रुक जाएगा, वो किलोइड्स वहीं पे बढ़ना रुक जाएगा। और दूसरा एक्शन ये होगा कि समय के साथ उसमें धीरे 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 रिकवरी देखने को मिलेगी। किलोइड्स जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा ठीक होने का चांस रहता है, लेकिन कुछ किलोइड्स जो मेरे एक्सपीरियंस में हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, 8-8 इंच 10-10 इंच जितने बड़े, लगभग पूरा बॉडी कवर करके रखा हो इतने बड़े बड़े किलोइड्स होते हैं। कुछ 4 इंच के भी होते हैं, 3 इंच के भी होते हैं, 5-7 इंच के भी होते हैं, यानी छोटे से लेकर के बड़े साइज तक किलोइड्स होते हैं। पर जितना छोटा साइज का रहता है उसका रिकवरी रेट उतना अच्छा रहता है, जितना बड़ा साइज रहता है उसका वापस से नॉर्मल होकर पहले जैसे बन जाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे भी केसेस देखने को मिला है जहाँ पे ऐसा हो जाता है। सो दोनों ही चीज़ें आपने को समझना है, पहला कि जो काम रहेगा होम्योपैथिक मेडिसिन का इस किलोइड के केस में वो ये रहेगा कि जो समय के साथ बढ़ रहा है उसका बढ़ना रोकना, और दूसरा जो किलोइड है वो विद द टाइम मेडिसिन से धीरे धीरे रिकवर हो जाए।